अब मोबाइल और इंटरनेट का जमाना है। दुनिया भर की चीजें मोबाइल के एक क्लिक पर हाजिर हो जाती हैं। गूगल पर अगर गलत भी टाइप करते हैं तो वो अपने आप ठीक करके आपको जो ढूंढ रहे हैं वहां तक पहुंचा ही देता है। जो जानकारियां पहले किताबों के पन्नों को पलट कर ली जाती थी तो वो अब सेकंड के समय में गूगल से ढूंढ ली जाती है। जाहिर है इसका सबसे फायदा हमें खूब मिल रहा है, लेकिन कई मामलों में इसका नुकसान भी बड़े स्तर पर हमारे ऊपर पड़ रहा है और खासतौर पर इसकी चपेट में आ रहे बच्चों के लिए परेशानी वाली बात है। क्योंकि अगर गूगल पर एक क्लिक पर पढ़ाई से जुड़ी सामग्री मिल रही है तो वहीं एक ही क्लिक पर एडल्ट फिल्म यानी पॉर्न मूवीज का एक्सेस भी आसानी से मिल जाता है। कहने के लिए हर पॉर्न साइट पर एंटर होने से पहले इंसान की उम्र पूछी जाती है तो 18 साल से ऊपर होना जरूरी है, लेकिन ये सब दिखावा है और सिर्फ एक ओके से बच्चा बी साइट तक पहुंच सकता है। ऐसे में अगर बच्चे को पॉर्न की लत लग जाए तो स्थिति और खतरनाक हो जाती है, जो उसके भविष्य को खराब करने के लिए काफी है। इसलिए पेरेंट्स को खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपका बच्चा ज्यादा अकेला होकर मोबाइल तो नहीं चला रहा, और अगर चला रहा है तो क्या उसमें देख रहा है। अगर आपका बच्चा मोबाइल या लैपटॉप पर हमेशा चिपका रहता है तो पहले जाने वो क्या करता है। क्या वो किसी गेम का लती है, या फिर हो सकता है उसे खेलने के लिए हमेशा चिपका रहता हो। हालांकि वो भी उसके लिए काफी नुकसानदायक ही है, लेकिन गेम खेलने वाले बच्चे एकदम से किसी के आ जाने से असहज नहीं हो जाते और स्क्रीन को इधर या उधर नहीं छुपाते। अगर इस तरह कुछ आपका बच्चा करता है तो हो सकता है वह उसे पॉर्न या कुछ गलत देख पड़ रहा हो, या आपको खुद पहचान करनी होगी। इसके लिए आपको अपने बच्चे की डेली आदतों और व्यवहार को समझना होगा, जो आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। अगर मोबाइल या लैपटॉप चलाने के बाद भी उसके व्यवहार में थोड़ा फर्क आ रहा है तो ध्यान दीजिए, वरना देरी बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। रिपोर्ट IPN।